हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। जेन्युइन जॉब अपडेट को आपन को स्वागत करुछि। फ्रेंड्स, आज नोटिफिकेशन टी रहिछि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ रु, जोटा कि आपन पोस्ट टी आछि असिस्टेंट प्रोफेसर पई। विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंट रे पोस्ट गुड को रहिबो, त आसन तो देखि नबा डिटेल्स कोन कोन रहिछि। तो फ्रेंड्स देखंतु, प्रथमे आपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हे जाउछि 22 जनवरी 2023 रु, लास्ट डेट रहिछि 17 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत। टोटल आपण 274 पोस्ट रहुची, सेतिमध्यरु वुमेन मानक पई रहुची 65 पोस्ट, जोटा कि केवल असिस्टेंट प्रोफेसर पई पोस्ट रहुची, जोटा कि ग्रुप ए रे आसीबो। तो डिटेल्स आपण देखिनंतु कोन कोन अछि वैकेंसी पोजीशन, जेमिति कि एनेस्थेसियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, एमिति बहुत गुडिया पोस्ट आपणकर देखंतु कैटेगरी वाइज एठी दिया जायछि। टोटल बहुत गुड़े पोस्ट बाहर जमी टोटाल देखा कैटेगोरी वाइज अनरिजर्व मानक टोटाल आपंकर आसी जा 93 पोस्ट, से वोमेन मानक 22 पोस्ट रही। एसएससी मानक टोटाल पोस्ट आसी जा 31 पोस्ट, से वोमेन मानक रही 4। एससी मानक टोटाल आपंकर आसी जा 54 पोस्ट, से वोमेन मानक 12 रही। एसटी मानक रही टोटाल 96 पोस्ट, से वोमेन मानक 27 पोस्ट रही। तो एमती जदि आम टोटाल कैटेगरीज को मिसे दबा, टोटाल आपंकर 274 पोस्ट रही, केवल वोमेन मानक रही केवल 65 पोस्ट। तो युग रहा आपंकर कैटेगरी वाइज वैकेंसी, आपण भल भाव नोटिफिकेशन टा को देखनी, कौ कौ पोस्ट कौ कौ डिपार्टमेंट रु कौट कौट के वैकेंसी पोजिशन अच्छी। नेक्स्ट हम डिस्कशन करनवा एज लिमिट कौन रही। तो मिनिमम एज आपंकर 21 दरकार, मैक्सिमम एज आपंकर 45। तो एज लिमिट टी आपंकर रही 21 वर्ष रु 45 वर्ष पर्यंत। डिटेल्स देखंतु, एडी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मध्ये दिया जायछि प्राय सब डिसिप्लिन पई, एमडी और एमएस जो सब्जेक्ट रे जेंति के एनेस्थेसियोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, तो ता उपरे रहूछि एक्सपीरियंस मध्ये जो मानकर अछि प्रिफरेबल रहिबो। तो डिटेल्स आपण देखिनियंतु, बायोकेमिस्ट्री पई अछि, एफएमएनटी पई अछि, जनरल मेडिसिन पई अछि, माइक्रोबायोलॉजी पई अछि। तो बहुत गुडिया डिसिप्लिन रो आपणकर पोस्ट गुडी को रहिबो, आपण डिटेल्स देखंतु। जो माने भी एलिजिबल होउछन्ती निश्चित भाव आपण अप्लाई करंतु। जदि कोनोसी आपणकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रे भी कोनोसी पॉइंट रे आपणकर डाउट रहउछि, आपण निश्चित कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि पारंती। तो नेक्स्ट डिटेल्स कोन रहिछि आसंतु देखिनबा। नेक्स्ट आसंतु देखिनबा मेथड ऑफ सिलेक्शन कोन आपणकर रहइबो। तो गोटे रिटिन टेस्ट आपणकु दबाकु पडिबो, जोटा कि देखंतु डिटेल्स दिया जायछि। रिटिन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर, स्ट्रक्चर कौन रहा देखो। रिटिन टेस्ट रो टोटल मार्क्स आप 200 मार्क्स रहा, 200 मार्क और 200 क्वेश्चन रहा, जोटा कि आप मल्टीपल चॉइस रहा, पर क्वेश्चन आप 1 मार्क आसीज। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, जोटा कि आप 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहा। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी एज डिसाइडेड बाय द कमिशन, आपण कमिशन द्वारा डिसाइड करा जइबो केते क्वालिफाइंग मार्क्स रहइबो। द ड्यूरेशन आपण करा जइ छि 3 घंटा, 200 मार्क रो पेपर रहइबो, 200 टी क्वेश्चन रहइबो, ड्यूरेशन आपण रहइबो 3 घंटा। द सिलेबस रे दिया जइ देखंतु, प्रथम रहला द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जोटा कि आपण कर फॉर शैल बी फ्रॉम द बोर्ड स्पेशलिटी सब्जेक्ट दैट इज एज पर एमसीए अप्रूव्ड एमडी और एमएस सिलेबस, आपणकर ए सिलेबस रो क्वेश्चन आसीबो। सेकंड रहला फॉर मेडिकल एमएससी, द सिलेबस अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एमएससी कोर्स, मेडिकल एमएससी कोर्स रो आपणकर सिलेबस आसीबो। आपण डिटेल्स देखिनंतु सिलेबस कोन कोन रहिबो। नेक्स्ट रोजी प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन देखंतु, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट कटक, तो कटक रे आपणकर एग्जामिनेशन टी हबो। एगुड़िक रहा आपंकर अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, आप डिटेल्स भल भाव पढ़ी निंतु, क्वालिफिकेशन आपर कौन कौन रही, आपणकर एग्जाम केमी कौन कंडक्ट हम, सर्टिफिकेट जोड़ा मैंने कौन आटाच करेंगे आप सर्टिफिकेट से गुड़िक भी दि जाइए। आप भल भाव जेकोसी फर्म आप्लाई करपूर्व आप नोटिफिकेशन टी क्लीयरली पढ़ी बुझिकी जातु। ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन अच्छी, आप कौ ग्राउंड रे रिजेक्ट हमारे संभावना अच्छी से गुड़ को भी ध्यान दिंतु। नेक्स्ट रही हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कमी करेंगे, ओपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट जोटा कि opsc.gov.in रु जाइ अप्लाई करेंगे। डिटेल्स भल भाव देखी नि, स्टेप बाय स्टेप आपको कौन कौन अपलोड करने पड़े, कौन कौन स्टेप अच्छी आप निश्चित जाइए अप्लाई करूँ। तो एमती लाटेस्ट जब नोटिफिकेशन पाइबा मो चैनल टी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलबेनी।
जो माने मो चैनल रे नुवा छंती से माने निश्चित भाव रे मो चैनल टी को सब्सक्राइब करिनियंतु एवं पाखरे तिबा बेल आइकन को प्रेस करिनियंतु। धन्यवाद।